रमज़ान के पवित्र महीने में हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन आधार सामाजिक संगठन व अमन सेवा संस्था द्वारा आयोजित इफ्तार दावत का भव्य आयोजन रिजेंट गार्डन होटल में किया गया था, जिसमें भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भिवंडी पश्चिम आमदार महेश चोगले व कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। भाजपा आमदार ने कहा है, इस इफ्तार दावत से हिंदू मुस्लिम भाईचारा का पैगाम भेजते हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष मयूर बाम ने, अमन सेवा संस्था के अध्यक्ष असगर अली व आधार सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व पत्रकार अरविंद जायसवाल के सहयोगियों के द्वारा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया था। देखिए औरंगजेब खान की खास रिपोर्ट स्पीज न्यूज भारत पर। अपनी परंपरा है कि भिवंडी में इफ्तार हो या दिवाली हो, गणपति हो, सब धर्म के लोग एक साथ मिल के ये मनाते हैं। इसके लिए इफ्तार का या अभी ईद का ये पवित्र रहना है, तो इस पवित्र दिन को मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ क्या जो तमन्ना है वो पूरी हो और भिवंडी में और पूरे देश में जो विकास का माहौल ऐसा बना रहे और सबका अच्छा और भला हो, पूरे परिवार के ऊपर वाले से सब मिलकर हम दुआ करेंगे।